हमारे यूट्यूब चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाए और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। राजधानी जयपुर में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा का भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। जयपुर के सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में विशेष संपर्क प्रकोष्ठ के जिला संयोजक तथा सिविल लाइंस विधानसभा सीट पर भाजपा से टिकट की दावेदारी कर रहे गोविंद अग्रवाल के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा जेसीबी से यात्रा पर पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान एकता समाचार के जयपुर संवाददाता साबिर कुरैशी ने सिविल लाइंस विधानसभा सीट पर भाजपा से टिकट की दावेदारी कर रहे गोविंद अग्रवाल से खास बातचीत की। हाँ सर बताइए। मैं आज गोविंद अग्रवाल सिविल लाइन क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में रहता हूँ और सिविल लाइन से मैंने बीजेपी से भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी करके संगठन अगर मैं वोटिंग कर देता है तो मैं जीत कर हासिल कर गया। आज जो परिवर्तन यात्रा आपका आपने स्वागत किया, भव्य स्वागत किया है, इसमें आप किस तरह का संदेश देना चाहते हैं पार्टी को और जनता को? ये भारत सरकार को मुखाड़ कर फेंकना चाहते हैं। ये भारत सरकार जो है परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जनता को दिखाना चाहते हैं कि भारत सरकार है। या भी जो है पेपर लीकों के मामले में गरीब बच्चों का उनका भविष्य का अंधकार कर दिया, इस कारण से जो अभी बलात्कार महिलाओं के साथ हो रहे हैं इसके कारण इस सरकार को मुखाड़ कर फेंकना चाहते हैं। सिविल लाइंस विधानसभा में ही आपके जयपुर की मेयर रहती हैं मुनेश गुजर, उनके हस्बैंड के ऊपर संगीन आरोप लगे और पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। किस मसले को लेकर गिरफ्तार किया उसको? गवर्नमेंट ने कहा था कि 500 रुपये में पट्टा दिया जाएगा, लेकिन भरत महापौर ने उसके पति ने 2-2 लाख रुपए लेकर पट्टे दे रही थी। घर पर भी जो पट्टे पड़े थे वो 2-2 लाख रुपए देकर वितरण कर रहे थे। भरत सरकार महापौर भी भ्रष्ट है, उसका पति भी भ्रष्ट है। अभी वर्तमान सरकार कांग्रेस में मुनेश गुजर के पति पे और मुनेश गुजर के ऊपर संगीन आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, और पूरी दुनिया ने, पूरे राजस्थान की जनता ने देखा है। मेरा ये कहना है कि पूर्व जो महापौर थी ज्योति खंडेलवाल जी, उनके पति पर भी इसी तरह के संगीन आरोप लगे थे और घिनौने आरोप लगे थे, वो भी कांग्रेस की थी और ये भी कांग्रेस की हैं। इसके बारे में आप बताइए कि ये लोग महापौर बनते ही किस तरह के भ्रष्टाचार करते हैं। कांग्रेस सरकार में जो भी महापौर बनती है वो सब भ्रष्टाचार और उसके पति भी भ्रष्टाचार होते हैं और उनको भ्रष्टाचारों को आगे करके और उनको सरकार जो भ्रष्टाचारों को आगे करके महापौर बनाती है और उसके पति ने भी बहुत भ्रष्टाचार किया, बहुत पैसे कमाए और सरकार के साथ अन्याय किया, पब्लिक के साथ भी अन्याय किया। आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है सिविल लाइन विधानसभा को लेकर? सिविल लाइन विधानसभा के जो शिक्षित बेरोजगार है उसको 2 लाख रुपये 9 ब्याज पर 5 साल की किस्तों में मैं पैसा दूंगा। वो कमा के मुझे 5 साल में किस्तों में पैसा चुका दे, कोई ब्याज नहीं लूँगा और गरीब जनता जो है शिक्षित बेरोजगार है उसको ऊपर उठाऊंगा। समर्थन कैसा मिल रहा है? समर्थन मुझे बहुत अच्छी तरह मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है। बोल रहा समाज सेवी जनसेवक आदमी आना चाहिए जो सिविल लाइन का उद्धार करे। भाजपा में किन किन पदों पर रहे हैं? भाजपा में मैं प्रदेश उद्योग प्रकोष्ठ में रहा हूँ, प्रदेश संयोजक रहा हूँ। अभी मेरे को जयपुर जिला संयोजक संपर्क प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी दे रखी है। एच के ज्वेलर्स सागवाड़ा स्वर्गीय नरेंद्र भाई साहब का प्रतिष्ठान है, जो सोने चांदी के व्यापारी हैं, जिनका शुद्धता का ही एक निष्ठा है। पूरा जोन उदयपुर जोन, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात और सभी हमारे जितने भी एरिया के लोग हैं इस प्रतिष्ठा पे अपना विश्वसनीय रखते हैं और इनका कार्य बहुत अच्छा है। सारे कर्मचारी विश्वसनीय है, अच्छा व्यवहार है, इसीलिए हम इनसे अरसों से जुड़े हुए हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनका प्रतिष्ठान दिन प्रतिदिन आगे बढ़े। सधन्यवाद।